आ गए, फिर से हम हमारा चैप्टर आगे लेके जाएंगे। बट आई नो तुम लोग बहुत सिंसियर हो, तुम लोग बहुत शरीफ हो, तुम लोग तो रिविजन करके आए रहोगे। मैंने तो रिविजन की नहीं है, तो एक बार मेरे लिए रिविजन कर लेते। देखो हमने क्या देखा था, प्लीज मेरे को याद दिलाओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? तो कोई भी इंसान अपना खुद का घर किसी को लेट आउट करके रेंट कमाएगा ना, तो उस इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट, मतलब क्या? तो रेंट इनकम अर्नड बाय द ओनर। कैसे? तो बाय लेटिंग आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट। अब हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी याददाश्त चली गई। क्या थी फर्स्ट कंडीशन? हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। करेक्ट, घर होना चाहिए ना भाई लोग। सेकंड क्या है? घर तो होना ही चाहिए। दूसरा, असेसी उस घर का ओनर होना चाहिए। और तीसरा, रेंट आना चाहिए। करेक्ट। तो हाउस, ओनर एंड रेंट, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उस इनकम को बोलेंगे दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था? फॉर्मेट देखा था। अब फॉर्मेट एक बार याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट में ना मेरे को बहुत परेशानी हुई जब मैं टीवाई में था ना, पता नहीं कैसे कैसे इसको याद रखता था। एक बार तो चीट बनाने का भी सोचा था। अब देखो एक बार याद करते फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फिर फेयर रेंट, फिर क्या आता है? स्टैंडर्ड रेंट आता है कि हायर आता है? हायर ऑफ द अबव। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद ही गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है कि स्टैंडर्ड आता है कि एक्सपेक्टेड आता है, भगवान जाने क्या आता है। फिर कुछ लोग एक्सपेक्टेड लिखते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं। अब देखो मैंने क्या किया है, एक आइडिया ढूंढी है, एक सेंटेंस बनाया है। उस सेंटेंस में ना गांव तक का पूरा फॉर्मेट आ जाता है। अब देखो गांव ढूंढने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, गांव ढूंढने से पहले प्रॉब्लम होती है कि म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर एंड हायर, हायर के बाद स्टैंडर्ड आएगा कि एक्सपेक्टेड आएगा, और गड़बड़ होनी शुरू हो गई। और गड़बड़ हो गई तो समझ लो अपना आंसर रॉन्ग आना ही है, 100% रॉन्ग आना है। अब क्या करेंगे? अब ये सेंटेंस देखो क्या है। M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री। सर ये क्या है? ये M.F. हुसैन कौन है? M.F. हुसैन, अरे याद है ना, पेंटर M.F. हुसैन। तो M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री। M.F. हुसैन बहुत गुस्से वाले लग रहे हैं। ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री। पता है ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने गांव तक का फॉर्मेट बनाया है। M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री, और हम पहुंच गए गांव। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें इसको रॉन्ग करने, सारा राइट करने से रोक नहीं सकती। M फॉर क्या है? M फॉर म्यूनसिपल वैल्यूएशन। F फॉर क्या है? फेयर रेंट। H फॉर क्या है? हायर। S फॉर क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। E फॉर क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट। एंड ए फॉर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। बस अब क्या, विच एवर इज हायर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर, पहुंच गए हम गांव। फिर से एक बार देख लो सेंटेंस क्या है। M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री। अब हमारा फॉर्मेट कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अब मैं याद करूंगा, जब भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, पता है मैं क्या करूंगा? मैं पूरा फॉर्मेट लिखूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली ऐसे स्टार्ट करूंगा, M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री एंड गाओ। उसके बाद में लिखना चालू करूंगा। अब देखो प्रेशर कितना कम हो गया, याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म लिखने हैं। M फॉर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, F फॉर फेयर रेंट, H फॉर हायर, S फॉर स्टैंडर्ड रेंट, E फॉर एक्सपेक्टेड रेंट, A फॉर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब सब लोग क्या करने वाले, इस सेंटेंस को अच्छे से लिखने वाले। पता है किधर हमने फॉर्मेट बनाया था ना एकदम स्टार्टिंग में, याद है? उसके ऊपर मैंने बोला था लीव वन लाइन फ्री, कीप वन लाइन फ्री, याद है? फॉर्मेट के पास चले जाओ, उस फॉर्मेट के ऊपर एक लाइन हमने ब्लैंक छोड़ी है, सबसे पहला फॉर्मेट। हाँ, अब वहां पे ये सेंटेंस तुम लोग लिखने वाले हो। मतलब कैसे? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ऐसा हमने फॉर्मेट बनाया था LOP SOP। यहां लिखना M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री, और इसमें हमारे काम के पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री, और इधर भी M.F. हुसैन सीम्स एक्सट्रीमली एंग्री। जल्दी से कंप्लीट कर लो, अब हमारा फॉर्मेट रॉन्ग नहीं हो सकता। हो गया लिख के, छोटा सा सेंटेंस था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? M मतलब म्यूनसिपल वैल्यूएशन, म्यूनसिपलिटी वाले ने घर के एरिया के हिसाब से जो रेंट बोला था दैट इज म्यूनसिपल वैल्यूएशन। फेयर रेंट मतलब आजू बाजू वालों का रेंट, हायर तो छोड़ो। स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उस घर का जितना रेंट आना चाहिए दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। ई फॉर क्या? एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से एटलीस्ट इतना रेंट तो आना ही चाहिए,
सुनो ये सेंटेंस याद रखो, ये सेंटेंस आज बहुत काम आने वाला है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है? इनकम टैक्स के हिसाब से एटलीस्ट इतना रेंट तो आना ही चाहिए। फिर से सुनो, इनकम टैक्स के हिसाब से इतना रेंट तो आना ही चाहिए, ठीक है? दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। क्योंकि आज हम लोग एक कंसेप्ट करने वाले हैं जिसमें इस सेंटेंस के ऊपर ही बहुत सारा लॉजिक है। फिर ए फॉर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल में मेरे जेब में, मेरे मतलब ओनर के जेब में जितना रेंट आ रहा है उस रेंट को क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। फिर आगे हम लोग गांव में से क्या माइनस करेंगे? अब सारे खर्चे माइनस करने, सबसे पहला खर्चा माइनस करने की परमिशन हमें क्या मिली है? तो वो है म्यूनिसिपल टैक्स। ओके, अब म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है। पहले म्यूनिसिपल टैक्स होता क्या है? जो टैक्स हम म्यूनिसिपैलिटी को पे करते हैं उस टैक्स को बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है? अब उसका डिडक्शन कब मिलता है? उसका डिडक्शन मिलता है इफ इट इज पेड। पेड मतलब क्या? पे कर दिया, पेड बाय द ओनर एंड इन करंट ईयर। मतलब क्या? जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स ओनर इस साल पे करेगा, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो या पिछले साल का हो, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना टैक्स उसने इस साल पे कर दिया वो सारा का सारा हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे। कौन सा टैक्स? म्यूनिसिपल टैक्स, बाकी कोई टैक्सेस नहीं। जितना भी म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने इस साल पे किया उतना सारा टैक्स हम लोग इस साल माइनस कर लेंगे, ठीक है? और एक सेंटेंस हमने वहां पे लिखा था कि अगर म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में दिया है, मतलब अगर दिया है म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 तो 10,000, बट अगर दिया है म्यूनिसिपल टैक्सेस 10% तो किस पे कैलकुलेट करेंगे? अब सारे इंटेलिजेंट लोग क्या करेंगे? गांव पे कैलकुलेट करेंगे। बट हम इंटेलिजेंट है क्या? नहीं। हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? हम सोचने वाले हैं। देखो, इन सारे वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी है जो म्यूनिसिपैलिटी ने दी है। कौन सी? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, करेक्ट। तो अगर म्यूनिसिपैलिटी वाले टैक्स लेने वाले हैं तो वो उनके वैल्यू पे लेंगे। गांव तो हमने इनकम टैक्स के फॉर्मेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है। म्यूनिसिपैलिटी वालों को क्या मालूम गांव क्या होता है कि नहीं? तो म्यूनिसिपैलिटी वाले म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से ही टैक्स लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। म्यूनिसिपल टैक्स अगर उन्होंने परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो वो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पे ही चार्ज करेंगे, ठीक है? तो आगे नाउ नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद बहुत सारे खर्चे, दुनिया भर के खर्चे अगर ओनर ने किए हैं वो सारे खर्चे माइनस करने की परमिशन हमें नहीं है। हम क्या करेंगे? वो सारे खर्चे इग्नोर करेंगे और क्या माइनस करेंगे? एक ही चीज माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो भले उसने सोसाइटी मेंटेनेंस पे किया हो या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वॉचमैन की सैलरी, पार्किंग का पैसा या रिपेयर कलर वलर किया, कुछ भी खर्चा किया हो, अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो सारे खर्चे हम लोग इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और आखिरी चीज माइनस करने की परमिशन क्या है? एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मैंने घर के लिए कोई लोन लिया है तो लोन के साथ मुझे लोन तो रिपे करना ही पड़ेगा, उसके साथ और एक चीज एक्स्ट्रा बैंक को पे करनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंस और वो एक्सपेंस मैं माइनस कर सकता हूँ। बट इधर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे ना एक चार्ट बनाया था, जल्दी से चार्ट के पास आ जाओ। वो चार्ट क्या था? अगर वो घर LOP है तो क्या करेंगे, अगर वो घर SOP है तो क्या करेंगे। अरे मिला क्या? तो अगर वो घर LOP है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट दिया है सारा का सारा यहाँ से माइनस कर देंगे, नो झंझट, फटाफट खत्म हो जाएगा। अगर वो SOP है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो अब हम देखेंगे वो लोन मैंने क्यों लिया है। वो लोन मैंने रिपेयर्स करने के लिए लिया है कि परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है? अगर मैंने रिपेयर्स के लिए लिया है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 30,000। इसका मतलब क्या? अगर मैं 15,000 का इंटरेस्ट पे करता हूँ, मैं 15 माइनस कर सकता हूँ। अगर मैं 22,000 का इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो मैं 22,000 माइनस कर सकता हूँ। अगर मैं 29,000 का इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो 29,000, बट अगर 35,000 का इंटरेस्ट है तो 30,000। इसका मतलब क्या? कम है तो कम लो, ज़्यादा हो रहा है तो फिर लिमिट में रहना पड़ेगा, करेक्ट? ओके, तो ये तो अपना काम हो गया। उसके आगे क्या है? तो अगर वो लोन मैंने परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो हम देखेंगे वो लोन मैंने कब लिया है, पुराना लोन है क्या, नया लोन है। पुराना मतलब क्या? बिफोर 1 अप्रैल 99, मतलब अप टू 31 मार्च 99। अगर अप टू 31 मार्च 99 का लोन है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000। और अगर ये नया लोन है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2,00,000। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि वो लोन हमने रिपेयर्स के लिए लिया कि परचेस कंस्ट्रक्शन, चलो SOP के लिए लिया कि LOP के लिए लिया, ये अज्यूम नहीं करना पड़ता, वो तो अपने को पहचानना पड़ता है कि वो घर SOP के LOP है, ठीक है? LOP है तो नो लिमिट,
एसओपी है, और अगर बोला ही नहीं है कि रिपेयर्स के लिए लिया है कि परचेस कंस्ट्रक्शन, हम अज्यूम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि वो लोन परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर बोला ही नहीं है कि वो लोन पुराना है कि नया है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि वो नया लोन है, ठीक है। सुनो फिर से एक बार, अगर क्वेश्चन में एसओपी एलओपी तो दिया होगा, अगर उन्होंने नहीं दिया है कि रिपेयर्स के लिए लिया कि परचेस कंस्ट्रक्शन, तो अज्यूम करना पड़ेगा कि वो परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया है। और अगर नहीं दिया है कि वो परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए नया लोन है कि पुराना लोन है, तो अज्यूम करना पड़ेगा नया लोन है, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल चीज हमने लिखी थी कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पे करेंगे तो माइनस कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग हुआ तो माइनस नहीं कर सकते। बट इंटरेस्ट के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को कि बैंक को? बैंक को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? तू जाने तेरा, बैंक जाने। तू इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, बैंक तेरा घर उठा के लेके जाएगा, हमको कुछ फर्क पड़ता है नहीं। तो इंटरेस्ट तू पे कर या पे नहीं कर, पेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जितना भी इंटरेस्ट है सारा का सारा यहाँ से माइनस कर लेंगे। और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, करेक्ट। और अब काफ़ी सारा रिवीजन हो गया। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर मुझे चूना लग गया, मतलब क्या? बैडेट्स हो गए, रेंट के बैडेट्स हो गए, मतलब क्या? अनरियलाइज रेंट हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सोचना पड़ेगा एक्चुअल रेंट रिसीव ढूंढने के लिए। सपोज मैंने ऐसा बोला कि 10,000 पर मंथ का रेंट है और 2 महीने का चूना लग गया, मतलब 2 महीने के लिए मुझे अनरियलाइज्ड हो गया, वो रेंट मिला ही नहीं। मतलब एग्जैक्टली मिला कितना? 10,000 पर मंथ। पूरे साल का कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000। मगर 2 महीने का चूना लग गया, मतलब 10 महीने का मिल गया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 × 10, करेक्ट। और ऐसे हमने 5-6 इलस्ट्रेशन भी किए थे, मेरे ख्याल से 5 इलस्ट्रेशन किए थे, हमने लिखे भी है, करेक्ट। तो अनरियलाइज्ड रेंट मतलब क्या? तो मुझे चूना लग गया। अच्छा, अगर उसको सद्बुद्धि हो गई जिसने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा रेंट नहीं दिया, कुछ सालों के बाद उसको सद्बुद्धि हो गई और उसने वो रेंट मुझे भेज दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। अरे सही बोला ना, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है कि जो अनरियलाइज्ड हुआ था कुछ सालों पहले, आज वो मुझे वापस मिल रहा है। जस्ट लाइक बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स हो गए थे, अब वो पैसे मुझे वापस आ रहे हैं, तो ये क्या है? दिस इज माई इनकम। वैसे ही अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था, अब वो मुझे वापस मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज माई इनकम। अब इनकम है तो क्या करेंगे? इस फॉर्मेट के नीचे ऐड करेंगे। बट एक याद रखो, यहाँ तक का फॉर्मेट ना मुझे हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ता है, नहीं तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं। बट अगर क्वेश्चन में दिया है अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड, तो ही मैं इसके नीचे ऐड करूंगा फुल अमाउंट टैक्सेबल। कब टैक्सेबल? व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। उसके साथ हमने और एक एग्जांपल किया था, याद है कि मेरा वो जो घर है, उस घर पे उसने बार बना दिया, मैंने उस पर केस कर दी थी और केस में जीत के मैंने कुछ पैसे लिए थे, उससे रेंट लिया था, दैट इज नॉट अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड मतलब क्या? तो कुछ सालों पहले चूना लगा था, अब वो पैसे मुझे वापस मिल रहे हैं। बट इसका हमने नाम क्या दिया था? इसका हमने नाम दिया था एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, करेक्ट। अब वो एरियर्स अगर मुझे मिलते हैं तो भी मैं इस फॉर्मेट के नीचे ऐड करूंगा, बट यहाँ पे एक फायदा मुझे मिलता है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड जितना भी मिले मैं पूरा का पूरा ऐड कर दूंगा, बट एरियर्स जितने भी मिले उसमें से 30% लेस करूंगा और फिर बची हुई अमाउंट में यहाँ ऐड कर दूंगा, अरे करेक्ट। उसके बाद हमने ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन किया था और हमारा हो गया था पैकअप। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले। अब आगे बढ़ने वाले मतलब क्या? तो एक जरा ध्यान से सुनो, मेरा ना एक फ्रेंड है, उसका नाम है रिची रिच, काफी लोग जानते होंगे। बहुत गरीब था बेचारा, बहुत गरीब था। उसका ना छोटा सा घर था विरार में, किधर था? विरार में। फिर उसने ना अपना जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया, फिर उसको बहुत सारे पैसे आने लग गए, बहुत तरक्की होने लग गई, और ज़्यादा पैसे आने लग गए। तो उसने क्या सोचा? और एक घर लेते। कहाँ लेंगे? जू में लेंगे, अमिताभ बच्चन के घर के बाजू में। तो उसने दूसरा बड़ा घर ले लिया जू में, ये उसका पहला घर था, ये उसने दूसरा घर लिया जू में। अब उसकी वाइफ ने बोला, देखो जी हमें तो आदत है इस घर में रहने की, अब ये दो घर नया है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं, अगर इस घर को भाड़े पे देंगे ना तो 50,000 का ही रेंट आ सकता है, तो हम इसको भाड़े पे नहीं देंगे, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, इसको भाड़े पे देते हैं, यहाँ पे ना पूरे साल का 3 लाख रुपए का रेंट आने वाला है, तो इनकम भी हो जाएगी। तो इसने बोला, नहीं मुझे नहीं पसंद मेरे घर में कोई और आकर रहेगा।
मुझे तो भाई दो दिन हम चार दिन हम लोग इस घर में रहेंगे, तीन दिन हम लोग उस घर में रहेंगे। उसके वाइफ ने बोला चलो ठीक है, क्या है बात तो मेरी सुनते हैं नहीं, चलो ठीक है चार दिन यहाँ रहेंगे तीन दिन यहाँ रहेंगे, पूरी सर्कस करते रहेंगे, पूरी फैमिली को घुमाते रहेंगे। अब उसने और तरक्की की, और पैसे आ गए, उसने सोचा और एक घर परचेस करूँगा। अब कहाँ परचेस करूँगा, एक तो लिया अमिताभ बच्चन के घर के बाजू में, दूसरा कहाँ ले शाहरुख खान, चलो ठीक है बैंड्रा में ले लिया, बैंड्रा में तीसरा घर उसने ले लिया शाहरुख खान के घर के बाजू में बैंड्रा। अब उसके वाइफ ने बोला देखो जी आपने पहली मेरी बात नहीं सुनी है, इस घर को भाड़े पे हम लोग नहीं देने वाले क्योंकि सिर्फ 50,000 का ही रेंट आ सकता है। बट इस घर को भाड़े पे दे सकते थे ना, 3,00,000 का रेंट आ सकता था, बट आपने मेरी बात नहीं सुनी, हम चार दिन इधर घूम रहे तीन दिन इधर घूम रहे फिर से चार दिन इधर घूम रहे फिर से तीन दिन इधर, एटलीस्ट इसको तो भाड़े पे दो, ये बहुत बड़ा घर है सी फेसिंग है, 10,00,000 रुपए का रेंट आ सकता है। तो हमारे रिची रिच भाई साहब ने बोला कि नहीं मुझे नहीं पसंद मेरे घर में कोई और आके रहेगा, हम दो दिन इधर रहेंगे तीन दिन इधर रहेंगे एंड फ्राइडे सैटरडे संडे उधर जाएंगे। अब उसके बाद ने बोला हे भगवान, भगवान ने नाम दिया है रिची रिच, पैसे कमाने की अकल तो है नहीं, इतना अच्छा खासा इनकम आ सकता था बट छोड़ रहे, चलो ठीक है क्या कर सकते हैं, अब नई बात मान रहे तो नई बात मान रहे। अब उनने पूरी सर्कस करनी चालू कर दी, तीन दिन इधर दो दिन इधर फ्राइडे सैटरडे संडे इधर, ऐसे चल रहा था। तो एक बार सैटरडे के दिन वो लोग यहाँ आए थे, सैटरडे के दिन घर में खेल रहे थे बच्चों के साथ खेल रहे थे, अचानक से इनकम टैक्स वाला घर पे आ गया, बोलते ए भाई साहब आपने टैक्स पे नहीं किया, टैक्स पे करो। तो इसने बोला अरे नहीं किया है ना, ऐसे क्या कर रहे हो, ये देखो मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस का कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और ये इनकम टैक्स रिटर्न और ये टैक्स पेमेंट का चालान सब कुछ है पूरा फाइल में, फाइल चेक कर लो। इनकम टैक्स वाला बोला अरे भाई ये फाइल नहीं चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस तूने पे कर दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, तीन तीन घर है ना रेंट तो आता होगा, टैक्स कौन पे करेगा। इसने बोला अरे नहीं सर कैसा है ना, मतलब इधर भी हम लोग ही रहते हैं, इधर भी हम लोग ही रहते हैं, इधर भी हम लोग ही रहते हैं तो टैक्स नहीं आएगा। इनकम टैक्स बोला ऐसा थोड़ी होता है, तीन घर में एक इंसान कैसे रह सकता है, एक इंसान दो ही घर में रह सकता है, तेरे पास तीन तीन घर है तुझे रेंट आता होगा। इसमें अरे नहीं सच्चे में भगवान कसम बच्चों की कसम बीवी की कसम, देखो ना इधर भी मैं ही रहता हूँ, ये भी मेरा SOP है, ये भी मेरा SOP है और ये भी मेरा SOP है, और आपके इनकम टैक्स का ही रूल है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करना होता है क्योंकि इनकम ही नहीं आती है। वाला बोल रहा देख भाई जिस इनकम टैक्स की तू याद दिला रहा है ना कि SOP पे टैक्स नहीं आता, उस इनकम टैक्स का और एक रूल है कि एक इंसान के पास एक ही SOP होना चाहिए, अगर तेरे पास एक से ज़्यादा SOP है तो हम सारे घरों को SOP नहीं बोलेंगे, तू तेरा इनकम छोड़ सकता है, तेरे पास चांस था ना उन घरों को लेट आउट करके पैसा कमाने का, तूने पैसा नहीं कमाया, गलती किसकी, तेरी, तू तेरा इनकम छोड़ सकता है, हम हमारा टैक्स नहीं छोड़ेंगे, हमें तो टैक्स चाहिए। अब ये बोला किस अमाउंट में टैक्स लोगे, इनकम तो आया ही नहीं है, इनकम टैक्स के लिए इनकम तो होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स वाले बोले हम उस रेंट पे टैक्स लेंगे जो रेंट तू कमा सकता था उन एक्स्ट्रा घरों को भाड़े पे देके। अब तेरे पास तीन घर है, तीन घरों में से तू डिसाइड कर कौन से एक घर को तू SOP बोलने वाला है, हम बाकी के दो एक्स्ट्रा घरों को LOP बोलेंगे। अब ये रूल है तो रूल है, करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स वाले ने क्या बोल दिया कि भाई साहब तेरे पास तीन तीन SOP है ना, इनकम टैक्स का रूल है एक इंसान के पास एक ही SOP होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा SOP है तो नहीं चलेगा, तो तुझे उन एक्स्ट्रा SOPs पे टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसमें से एक्स्ट्रा कौन से तू डिसाइड कर, तू बता इन तीनों में से तेरा घर कौन सा है, हम उस घर को छोड़ देंगे, बाकी के दो घरों को हम लोग LOP बोलने वाले। अच्छा एक बात बताओ, वो एक्चुअल में LOP है क्या, नहीं है तो SOP, बट उसको LOP बोलने वाला है, अज्यूम करने वाला है, डीम्ड करने वाला है कि वो LOP है, इसके लिए इन घरों को बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और अपना नया कंसेप्ट है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ये बहुत बड़ा नाम है DLOP। अब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जो LOP नहीं है बट इनकम टैक्स उसको LOP बोल रही है। अब ये LOP नहीं है बट इनकम टैक्स इसको LOP बोल रही है। अब बॉल वॉज इन द कोर्ट ऑफ रिची रिच। अब रिची रिच सोच रहा है कि तीन घरों में से कौन से घर को मैं LOP बोलूँ, कौन से घर को SOP बोलूँ, ठीक है। अब वो सोच रहा है, हर घर के बारे में सोच रहा है, वो आ गया इस घर के पास, इस घर के बारे में सोचने लग गया। जैसे ही वो इस बैंड्रा के घर के बारे में सोचने लग गया उसको बहुत गुस्सा आ गया। पता है क्यों गुस्सा आ गया, इस घर के बाजू में रहता है शाहरुख खान जो उसके वाइफ का बहुत फेवरेट है, अपने वाइफ का फेवरेट हीरो घर के बाजू में रहते तो गुस्सा तो आएगा।
उसने बोला कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, इसको मैं अपना घर नहीं बोल सकता। फिर वो इस घर के बारे में सोचने लग गया, जू के घर के बारे में सोच रहा है। अब जैसे ही जू के घर के बारे में सोचने लग गया, उसको बहुत बुरा लग गया। पता है क्यों? इस घर के बाजू में रहती है ऐश्वर्या राय। अब वो ऐश्वर्या राय बच्चन बन चुके, उसका दिल तो टूट चुका है। इसने बोला नहीं, ये भी मेरा घर नहीं है। अब वो अपने विरार के घर के बारे में सोचने लग गया। अब विरार के घर के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी आंखों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में सारी यादें आ गई, सारी यादें आ गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस घर में पैदा हुआ, मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ इसी घर में हुआ, मेरे फ्रेंड्स भी इसी घर के बाजू में रहते थे, मेरी गर्लफ्रेंड भी इसी घर के बाजू में रहती थी जिससे मेरी शादी हुई, उसका गृह प्रवेश भी इसी घर में हुआ, मेरे बच्चे भी इसी घर में पैदा हुए, मैंने मेरा बिजनेस भी इसी घर से चालू किया और आज मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैंने इतनी तरक्की कर ली है कि मैंने दो बड़े बड़े घर ले लिए। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा दिल है, इसमें मेरी बहुत सारी यादें है, मेरी ज़िंदगी है इस घर में, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। इनकम टैक्स वालों, ये है मेरा SOP, मैं इसको SOP बोलने वाला हूँ, तुम लोग इस घर को छोड़ दो, बाकी दो घरों पे टैक्स ले लो। अब उसकी वाइफ अंदर से सुन रही थी, उसके वाइफ को आया गुस्सा, झाड़ू लिया और इनकम टैक्स वाले के सामने मार दिया। पता है क्यों? बोलने लगे भगवान ने नाम दिया है रिच, पैसे कमाने की अक्ल तो है नहीं, पैसे बचाने की अक्ल तो रखो। इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला है, तुम डिसाइड करो तीनों में से SOP कौन सा है। अब अच्छे से डिसाइड करो ना, घर थोड़ी ना अपने को भाड़े पे देना है। देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन है कि अगर हम लोग इस हाउस वन को SOP बोलेंगे, इनकम टैक्स वाले हाउस वन को छोड़ देंगे, इनकम टैक्स वाले हाउस वन को छोड़ देंगे और किन घरों पे टैक्स लेंगे, इन दो घरों पे टैक्स लेंगे। तो अपने को टैक्स किस अमाउंट पे भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा 13 लाख पे, तो जो रेंट हम कमा सकते थे। अच्छा ऑप्शन टू क्या है, ऑप्शन टू है कि हम लोग हाउस टू को SOP बोलेंगे। अगर हमने इस घर को SOP बोला, इनकम टैक्स वाले इस घर को छोड़ देंगे और इन दो एक्स्ट्रा घरों पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्स किस पे भरना पड़ेगा, टैक्स ऑन 10,50,000। ऑप्शन थ्री हमारे पास क्या है कि हम लोग हाउस थ्री को इस घर को SOP बोलेंगे, उस घर को SOP बोला तो फिर अपने को टैक्स किस अमाउंट पे भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स वाले इसको छोड़ देंगे और इन दो घरों पे टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब किस अमाउंट पे, टैक्स ऑन 3,50,000। अब तुम लोग बताओ किस अमाउंट पे टैक्स भरना अच्छा है, 13 लाख पे, 10.5 लाख पे कि 3.5 लाख पे। तो ऑब्वियसली 3.5 लाख पे। तो एक बात बताओ अपना बेटर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थ्री। और ऑप्शन थ्री क्या बोलता है, हाउस थ्री को SOP बोलो। तो अगर हमने हाउस थ्री को SOP बोल दिया तो इनकम टैक्स वाले इस घर को छोड़ देंगे और बाकी दो घरों पे टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन में एक इंसान के पास एक से ज़्यादा SOP होंगे ना, हमें सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सपोज मेरे पास दो घर है, इस घर में भी मैं खुद रहता हूँ, इस घर में भी खुद रहता हूँ, अब रहता हूँ क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम दोनों ऑप्शन देखेंगे। हम पहले इसको SOP बोलेंगे और इसको DLOP आंसर ढूंढेंगे, फिर इसको SOP बोलेंगे और इसको DLOP आंसर ढूंढेंगे। जहाँ इनकम कम वहाँ टैक्स कम, हमारा काम क्या है, टैक्स बचाना। भावनाओं को समझना नहीं है कि इधर बहुत सारी यादें हैं, भाई साहब बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इधर उसकी यादें है, पुरानी पुरानी यादें है, सारे उसका दिल है ये घर, बट फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जिधर इनकम कम वहाँ टैक्स कम और जहाँ टैक्स कम वो अपना आंसर। तो इस घर में बताओ इन तीन ऑप्शन में विच इज़ बेटर ऑप्शन, दिस इज बेटर ऑप्शन। तो हाउस थ्री इज अवर SOP। तो हम क्या करने वाले हैं, फंडा तो सबको समझ में आ गया कि एक इंसान के पास एक से ज़्यादा SOP है तो फिर उन घरों में से एक ही घर को हम SOP बोल सकते हैं और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा SOPs है उन सबको क्या बोलना पड़ेगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अरे कंसेप्ट समझा क्या, चलो अब एक बार इसको लिख लेते हैं, जल्दी से हेडिंग डाल दो, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सर इसके लिए हमने जगह छोड़ी थी क्या, नहीं, जितनी भी जगह हमने छोड़ी है ना सारी जगह फुल हो चुकी है, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसके नेक्स्ट पेज पे या उस पेज पे सफिशिएंट जगह है तो वहाँ पे चालू कर लो। अब कुछ भी जगह हमने नहीं छोड़ी है, कंटिन्यू करना। लिखा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, अब इसके अंदर का मसाला लिखो, लिखो एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, वन SAC कैन हैव, हे भगवान सर SAC में कितना एस कितना ई समझता ही नहीं है, ये देखो वन SAC कैन हैव ओनली वन SOP, वन SAC कैन हैव ओनली वन SOP,
मतलब क्या, तो एक इंसान के पास एक ही एसओपी होना चाहिए हा? तो अगर उसके पास ज्यादा एसओपी है तो उसने लेट आउट करके रेंट कमाना चाहिए है? तो सेकंड सेंटेंस लिखो, इफ ही हैज मोर देन वन एसओपीज, इफ ही हैज मोर देन वन एसओपीज देन ही शुड लेट आउट, देन ही शुड लेट आउट एंड अर्न रेंट, देन ही शुड लेट आउट एंड अर्न रेंट. तो अब तक हमने क्या लिखा, पहला सेंटेंस लिखा कि एक इंसान के पास एक ही एसओपी होना चाहिए, दूसरा लिखा अगर उसके पास एक से ज्यादा एसओपी है तो उसने लेट आउट करके रेंट कमाना चाहिए. तीसरा सेंटेंस लिखो नेक्स्ट लाइन पे, इफ ही डज नॉट लेट आउट, इफ ही डज नॉट लेट आउट then, if he does not let out, then such extra SOPs, if he does not let out, then such extra SOPs shall be treated as LOPs, such extra SOPs shall be treated as LOPs. मतलब क्या, अगर उसने लेट आउट नहीं किया तो जो एक्स्ट्रा एसओपीज है ना उसमें वो खुद रहता है, उनको एलओपी ट्रीट किया जाएगा. तो ऐसे अज्यूम्ड एलओपीज को क्या बोलते हैं, डीएलओपी. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, सच अज्यूम्ड, ऐसा अज्यूम्ड बोलना नहीं होता है, मैं तुम लोग को बता रहा होता कि तुम लोग का स्पेलिंग रॉन्ग ना हो. सच अज्यूम्ड एलओपीज आर कॉल्ड, such assumed LOPs are called DLOP. DLOP. हाँ, अब हम लोग आंसर कैसे ढूंढते हैं, हम इसको SOP, इसको LOP, इसको LOP, इसको SOP, ऐसा दोनों आंसर ढूंढते हैं और जिसका आंसर कम, जहाँ पे आंसर कम वहाँ पे टैक्स कम, और टैक्स कम तो अपना आंसर करेक्ट. तो लास्ट लाइन लिखना, ऑप्शन विथ lowest IFHP, answer with lowest, option with lowest IFHP shall be the final answer, option with lowest IFHP shall be the final answer. इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास दो घर है तो इस क्वेश्चन को हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा. हाय राम, दो बार सॉल्व करना पड़ेगा सच में, अब गड़बड़ हो जाएगी. अब करेंगे क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं. तो लिख के तो हो गया, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ मैं अकेला अकेला. देख लो क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो कितना मासूम क्वेश्चन, 2 इंच में खत्म हो गया. देखो, मिस्टर जय ऑक्यूपाइड 2 फ्लैट्स फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, मिस्टर जय ऑक्यूपाइड 2 फ्लैट्स फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोज. दो घर है. अच्छा पहले बात बताओ, पहला काम अपना क्या होता है, ढूंढना पड़ता है कि भाई एसओपी है कि एलओपी है. अब हाउस वन देखो ना क्या है, हाउस वन भी एसओपी, हाउस टू क्या है वो भी एसओपी. पहले सेंटेंस में दिया है ना, जय ऑक्यूपाइड 2 फ्लैट्स फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पज, मतलब दोनों घर में वो खुद रहता है. बट इनकम टैक्स वालों को ऐसा नहीं चलता है, इनकम टैक्स वाला बोलते हैं तेरे पास दो घर थे ना, एक घर में तू रह सकता है, दूसरे घर को भाड़े पे दे, किसी और इंसान को घर मिल जाएगा. बट तूने ऐसा नहीं किया, तू दोनों घर में रहता है, मतलब तू तेरा इनकम छोड़ सकता है, हम हमारे